हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में वेरी हेल्प करने वाला। आइए दोस्तों देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुना होता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आए तो कुछ नहीं करना, एक सेकेंड में आपका आंसर। देखिए 15 वर्ष में 2 गुना, कितना वर्ष में 15 वर्ष में कितना गुना, 2 गुना, तो कितना गुना हो जाएगा 8 वर्ष में, 8 गुना होने में कितना वर्ष उसको लगेगा। तो सेकंड में आंसर कैसे आएगा दोस्तों, देखिए इस 2 की कितनी पावर करेंगे, 3 पावर से 8 बना, इसी 3 का गुणा 15 में कीजिए तो 15 * 3 = 45 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना मैच करेंगे, एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह साधारण ब्याज के आंसर भी आ जाते हैं, उसके कुछ अलग तरीके से आते हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, देखिए अब अगला क्वेश्चन, इसमें ये तो साधारण सिंपल क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो सभी को याद हो जाते हैं, देखो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाले हैं। 16,000 रुपये का 2 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज की दर 6 माही हो। अब क्या दिया इसने, 6 माही दिया। अब 6 माही, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि 6 माही क्या होता है। अगर 6 माही हो, दर 6 माही हो, तब क्या होता है इसमें, क्या होता है दर आधी हो जाती है, यानी कि 10/5, 10/2 यानी कि 5% हो गई दर आपकी, कितनी हो गई 5% हो गई। और जो समय है ये दुगना हो जाता है, तो इसमें 2 का गुणा होगा, यानी कि 2 * 2 = 4 वर्ष हो जाएगा। ये शर्त लागू होती है, दर आधी होती है, समय को दुगना होता है 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष 6 माही दे दे। अब क्या होगा, इसमें 6 महीने में ब्याज संयोजित होता है, तो दर आधी होगी, समय को दुगना होगा। अब इससे अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो दर आपकी 5% है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है बड़े आसान तरीके से, आपका प्रिंसिपल है इसमें, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 1,60,000 है। देखिए 5% दर, अब आपको 5% से क्या समझना है, देखिए 5% मतलब 5/100 मतलब 5 × 5 = 10, यानी कि 1/20, तो 20 पे आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है आपको, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 20 पर आपको 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, यानी कि 20 रुपये मूलधन है, तो मिश्रधन कितना हुआ आपका, 21 रुपये हो गया। जब आपका 20 रुपये मूलधन तो मिश्रधन कितना हो गया, 21 रुपये हो गया। अब आपको 4 बार निकालना है, 4 वर्ष है इसलिए, फिर 20 रुपये मूलधन, फिर 21 रुपये ब्याज हो गया, फिर 20 रुपये मूलधन, फिर 21 रुपये हो गया, फिर 20 रुपये मूलधन, फिर पक्का 21 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसको आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है सबका, इन सबका आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो 21, 21, 441, फिर 9,261 और 9,261 में 21 का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 21, 21, 441 में 21 का गुणा करें, 9,261 में 21 का गुणा कर लो, 21 + 21 का एक हासिल आया 2, 21 + 5 = 105, 21 + 26 और 2 128 का 8 हासिल आया 12। ठीक है, 21 × 42 = 42 और 12 × 2 = 4 = 54 5 और 21 × 216 = 221, ये आपका मिश्रधन हो गया। इधर 2 × 4 × 8 × 16 और 1, 2, 3, 4 सिपर 1, 2, 3, 4 सिपर लग जाएगा, तो 16,000 आपका यहाँ पे 2, 2, 4 सिपर और 4 सिपर, बिल्कुल ये 1,60,000 आपका मूलधन आ गया। तो अब इसमें से माइनस कर लो आप, ये आपका मिश्रधन हो गया 1,60,000, माइनस कर लो तो 1, 8, 4, 1 और 12 में 6 गया तो 6, 61,000
61,481। यहाँ पे क्या गया आपका 61,481 आ गया, क्योंकि इसमें दर आदि और समय को दुगना करा तो 4 वर्ष हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% 5, 5 × 10 = 20, 20 × 21 441, फिर 21,261 61,481। इसमें 61,481 कहीं भी ब्याज नहीं आ रहा है, लेकिन ये अपना राइट आंसर होगा। एक बार उसको चेक कर लेते हैं। इक्कीस इक्कीस 441 21 का गुणा करें, 21 से कम 21 ने 2 और 21 × 84 86 का 6 21 × 84 84 8 92,261 सही तो है, और फिर 21 का मल्टीप्लाई तो 1 6 2 9 2 × 2 2 6 12 का 2 8 1 2 3 4 1 5 2 9 18 1 2 8 4 10 14 4 1 8 9 1 और इसमें से 16 माइनस करें तो 1 8 4 4 9 में से 6 गया तो 3 34,481 ये राइट होगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक आ गई थी जो मल्टीप्लाई करने में, तो 19,481 यहाँ कितना आएगा 1,94,481 और इसमें से अपन ये संख्या माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 1,60,000 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 34,481 बचेगा। तो 34,481 कौन सा बी ऑप्शन अपना मैच करिए। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 10% 10 से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 620 होता है। अब यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, कितना दिया आपको 3 वर्ष दिया है, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर अगर पूछे तो डी इजक्वल टू पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 ये होगा 300 प्लस आर बटा 100 3 वर्ष के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो डिफरेंस कितना है 600 बी से, पी इसका प्रिंसिपल है जो आपको मालूम नहीं है, आर इसकी दर दस दाम कितना होगा 100 हो जाएगा, नीचे 100 का स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा और गुणित 310 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। अब यहाँ 2 सी पर 1 3 सी पर, तो 1 2 3 सी पकड़ गई, 2 ने 3 सी पर नीचे कट गई, 31 एकम 31 2 62 तो पी बराबर 20 तो ये हो जाएगा, और 1 2 3 सी पर 1 2 3 सी पर यानी कि 20,000 डी ऑप्शन अपना मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखिए कोई दिन 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होता है तो इसी दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। अब किसी दिन का चक्रवृद्धि ब्याज बेहतर आए है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है तो अपने को इसके मूलधन निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा इसका मूलधन निकालना पड़ेगा, और मूलधन कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, ये जो दर 8% दे रखी है ना, देखिए 8% यानी कि 8/100 यानी कि 4 से काटो देखो
देखो, चार दुनिया आठ, चार दुनिया आठ, चार पंच बीस है ना, यानी कि दो बट्टा पच्चीस। तो पच्चीस रुपये मूलधन होगा, तो पच्चीस ने दो, सत्ताईस रुपये मिश्रधन होगा, ब्याज होगा इस पर दो रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना होगा, सत्ताईस रुपये होगा। पच्चीस रुपये मूलधन पर सत्ताईस रुपये आपका मिश्रधन होगा, दो रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन आपका सत्ताईस रुपये होगा। अब आपको दो वर्ष निकालना, देखिए तो 25 मूलधन है तो मिश्रधन सत्ताईस रुपये, फिर अगर 25 मूलधन है तो मिश्रधन सत्ताईस रुपये है ना, दो वर्ष के लिए निकालना। तो देखिए 25 25 625 और 27 27 कितना होता, 729। इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 2 में 2 गया 0, 104 आपका क्या आ रहा, 104 आ रहा है। यहाँ ब्याज कितना, 104 रुपये आ रहा, और यहाँ ब्याज कितना आ रहा था आपका, 2080 आ रहा था। अब इसमें किसका गुणा करें कि 2080 हो जाए, यहाँ तो आपका 625 है, तो इसमें किसका गुणा करना पड़ेगा, देखो इसके भाग लें दो, यानी कि 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिपर दो चौक आठ जीरो दो, 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसका 20 गुना है, इसका 20 गुना है ये है, तो 20 का गुनाया करेंगे, तो 20 का गुनाया करा तो 20 का गुना इसमें भी कर दो, तो एक सिपर तो पैसे लग पहले लग गई, दो पाँच दस की सिपर हासिल आया, एक दो तीन चार एक पाँच दो चौक बारह, 12,500। ये डी ऑप्शन पर मैच कर गया। आई होप के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना।